वेलकम बैक डिज़ाइनर्स। इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आप अगर बिगिनिंग से शुरू कर रहे हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें कुछ 5 बुक्स बताई थी मैंने, लेकिन वो बुक्स ऐसी थी जो थोड़ी कॉस्टली भी थी और उनको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इंटीरियर डिज़ाइन की पहले से होनी चाहिए। तो उसे आपको समझ में नहीं आ रही है वो बुक्स, या फिर आप परचेज नहीं कर पा रहे हो, तो उन दोनों का सोल्यूशन है ये बुक। ये बिल्कुल बहुत ही सस्ते दाम में आपको मिल जाएगी बुक एक तो, और दूसरा ये बुक आपको बेसिक्स क्लियर करेगी बिल्कुल शुरू से। देखो, आप देखने में ऐसा लगता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग ना सिर्फ ऊपर ऊपर से फील्ड है, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड है। तो ये आपकी टेक्निकल चीज़ें जो है ना बिल्कुल बेस से लेके जाएगी और आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझाएंगी। इस बुक का मैं अगर आपको इंडेक्स दिखाऊं तो देखो, बेसिक चैप्टर्स मैं आपको दिखाई देता हूं एक्चुअल में कौन कौन से हैं। तो अगर मैं फर्स्ट चैप्टर देखूं, हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन कैसे शुरू हुआ था, अब इससे ज़्यादा बेसिक से और कैसे शुरू कर सकती है कोई बुक, की हिस्ट्री तक आपको बता रही है कि इंटीरियर डिज़ाइन शुरू कैसे हुआ था। इसके बाद है बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन कॉम्पोजिशन, ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं मेरी वीडियोज़ में, बट आप इस बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी बिल्कुल। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल भी इनको कहते हैं, यहीं से सारे इंटीरियर डिज़ाइन की जर्नी शुरू होती है, बिल्कुल बेसिक है ये। इसके बाद आते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग बनती किन किन से है, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके तो आप अपना इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद आता है प्लम्बिंग का टॉपिक। देखो, प्लम्बिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइन में, क्योंकि अगर आप देखो, आप जैसे यहाँ पे डायग्राम्स हैं, ये वॉशरूम के लिए जो होते हैं ट्रैप्स, अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है कि ट्रैप्स कैसे यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें, अगर आपको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, तो बेसिकली आप एस्थेटिकली कितना ही सुंदर बना लो आपने डिज़ाइन को, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा क्योंकि वहाँ स्मेल आ रही है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप ये जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं वॉश बेसिन के, शार के, ये सब दिए हुए हैं। जनरली आपको ये बुक्स में मिलते नहीं हैं क्योंकि यूजली ना जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स वो अलग होते हैं, हर कंट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं क्योंकि हाइट अलग अलग होती है। अब USA के लोग बहुत लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, तो इंडियंस के लिए स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, लेकिन आप जो बुक्स जनरली पढ़ते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में वो फॉरेन ऑथर्स की होती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि आपको स्टैंडर्ड सही से समझ नहीं आते इंडिया के। तो इस बुक में वो सारे स्टैंडर्ड्स भी दिए हुए हैं, सारे तो नहीं कहूँगा, मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं। खैर, ये आपको दिखा रखा है कि रेजिडेंस में आप कैसे प्लम्बिंग प्लान करते हैं। अब आप एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ये डिसाइड करोगे कि सिंक कहाँ पे लगती है या फिर आप वॉश बेसिन कहाँ लगाने वाले हो। प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि जहाँ आपने लोकेशन बताई कि यहाँ पे सिंक लगेगा, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ प्लम्बिंग भी होगी, क्योंकि सिंक अगर पानी नहीं है वहाँ पे तो वो किस काम का। तो ये सब चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। इसके बाद आपको लाइटिंग के बारे में देखने को मिलेगा। अब लाइटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइन का जितना कि कलर्स, जितना कि टेक्सचर्स, जितना कि प्लम्बिंग। अब लाइट आपके जो फोकस करनी है, कहाँ पे करनी है, कई बार आपने जो डिज़ाइन बना रखा होता है उसके ऊपर लाइट फोकस करनी पड़ती है ताकि वो अच्छा दिखाई दे। तो आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बताने पड़ेंगे जो भी आपका लगाने वाला है उसको, एक आपको एक टाइप ऑफ मैप बना के देना पड़ता है इलेक्ट्रिकल, ताकि वो समझ पाए कि कहाँ कहाँ पे कनेक्शन करने हैं। अगर आप ये नहीं दोगे तो वो कैसे समझेगा। तो ये सब चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं, बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ जाएंगी। एकॉस्टिक्स का भी बहुत मेजर रोल आता है इंटीरियर्स में, क्योंकि अगर आप साउंड प्रूफ करना चाहते हो रूम्स को तो इनके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली ये उन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है इसमें। देन कम्स बिल्डिंग प्रोटेक्शन। बिल्डिंग प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, आपको पता होना चाहिए कि आपकी फर्नीचर में दीमक ना लग जाए, आपकी बिल्डिंग में जो दीवारें हैं उस पर सिलन ना आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, मटीरियल्स कौन से यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में बताई हुई हैं, आपको टेक्निकल टच देगी इन सब चीज़ें। देन कम्स फर्निशिंग, पेंट्स होते हैं जो कर्टेंस होते हैं, फ्लोरिंग होती है, अपहोस्ट्री होती है जो फैब्रिक्स होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, प्लांट्स हो गए वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आती हैं फर्निशिंग के अंडर, और ये तो आपका काइंड ऑफ हार्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग है फर्निशिंग उसकी। आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर ऑलमोस्ट 80% चीज़ें जानते ही नहीं। यहाँ आप देखोगे तो प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन के बारे में बताया हुआ है।
यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ड्राइंग्स को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो तो इन तीनों चीज़ों को मिला के ही आपकी ड्राइंग्स कंप्लीट होती हैं, और कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है या आपका जो लेबर है इन्हीं को देख के आप वो समझ पाता है कि वो डिज़ाइन बनाना क्या है उसको। आप सर पे तो नहीं खड़े रहोगे ना लेबर के कि इसे ऐसे बनाओ इसे ऐसे बनाओ, तो ये ड्राइंग्स हेल्प करती हैं उनको समझाने के लिए। ये आपको समझ में आ जाता है पोर्शन, तो आप कोई भी ड्राइंग देख के उसे आसानी से समझ सकते हो और उसे बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपको ये व्यूज़ आते हैं तो। अब यहाँ पे आपको टाइप ऑफ विंडोज़ दी गई हैं, टाइप ऑफ डोर्स दी गए हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन से मटेरियल से बनाना है, कैसे इसको डिज़ाइन करना है, तभी आप अपने लेवल पे उसे डिज़ाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको यही नहीं पता कि कैसे स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है विंडोज़ की, कौन से मटेरियल्स यूज़ करने हैं, तो उसे डिज़ाइन क्या करोगे। पार्टीशंस हैं, पार्टीशंस एक्चुअली यूज़ होते हैं दो जगह को सेपरेट करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती। तो ये सब चीज़ें आपको इस बुक्स में पता चलेंगी। किचन डिज़ाइनिंग के बारे में बताया हुआ है, किचन ट्रायंगल के बारे में बताया हुआ है, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, इफ़ यू वांट टू चेक आउट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगेन लास्ट में आता है आपके स्पाइरल स्टेयर्स हैं, या फिर ये देखो ये वाली डायमेंशन ना आपको आसानी से कहीं और मिलती नहीं है। तो यही एम प्रताप राव की स्पेशलिटी है, ये बुक बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझाती है, वरना आप फॉरन ऑथर्स की बुक में तो उलझे ही रह जाते हो। यहाँ पे थ्योरी ऑफ कलर्स भी है, बट यहाँ मेरा ये फेवरेट सेक्शन बिल्कुल नहीं है एम प्रताप राव का, क्योंकि ये खुद ही ब्लैक एंड वाइट है तो मज़ा ही नहीं आता पढ़ने में। इनफैक्ट मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है यहाँ से, क्योंकि फील ही नहीं आया मुझे कभी। इसके बाद रेंडर टेक्निक्स बताई गई हैं जो आपकी ड्राइंग्स में यूज़ होती हैं। ये देखो आपको बेडरूम का आइसोमेट्रिक व्यू बताया गया है, बहुत ही आराम से अगर बैठ के आप इस बुक को पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आएगी, और आपके लिए बहुत ही आसान होती जाएंगी चीज़ें एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्टली किसी भी बुक पे जंप करते हो विदाउट एम प्रताप राव की नॉलेज। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, आपको पता होना चाहिए कि कभी भी लिविंग रूम के साथ स्टडी रूम नहीं होना चाहिए, या फिर पूजा रूम के साथ ऐसा कोई रूम नहीं होना चाहिए किड्स रूम, क्योंकि वहाँ पे शोर आता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये बुक बताएगी थोड़ा बहुत। आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो आप उस वीडियो की बुक्स को पढ़ो, बट आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़रूरी है बुक। आप डायरेक्टली वहाँ जाओगे तो शायद आपको वो समझ नहीं आएगी, ऑल दो वो भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स हैं, बट ये काइंड ऑफ मस्ट रीड है पहले। तो ये बुक है इंटीरियर डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बाय एम प्रताप राव, सिर्फ 200 रुपये MRP है इसका, तो इतने में बहुत कुछ मिल रहा है आपको। अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी कि आप वो ख़रीद नहीं पा रहे थे बुक्स, तो अब आप इसे ख़रीद सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप अगर आपकी किसी भी बड़ी सिटी में रहते हो तो वहाँ पे ये लोकली भी कुछ शॉप्स में अवेलेबल होती है एम प्रताप राव। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।